बिहार के दरभंगा में तटबंध टूटने से हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कोसी नदी का तटबंध टूटने से कई इलाकों में पानी भर गया है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं और किसी तरीके से सुरक्षित जगह पहुंच रहे हैं। कोसी बैराज के पास ट्रैफिक फिलहाल रोक दिया गया है। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग एक से दूसरी जगह जाने को मजबूर, अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लोग गुजर बसर का अपना सामान अपने सर पर रखे नजर आ रहे हैं यहां पर लोग। और आखिरकार ये नौबत आई क्यों? दरअसल नेपाल में जो बाढ़ आई उसी वजह से बिहार के कई जिलों में हालात खराब हो गए। सुपौल में बाढ़ की विभीषिका देखने को मिल रही है। पानी के प्रहार से जुड़ी बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। बिहार का सुपौल और सुपौल में बाढ़ से बुरा हाल है। सुपौल का मुंगरार गांव टापू में तब्दील हो चुका है। लोगों के मकान, लोगों की झोपड़ियां, खेत खलिहान सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। सुपौल में निचले इलाके पानी पानी, गर्दन भर पानी कई इलाकों में भरा हुआ है। जनजीवन पूरी तरीके से यहां सुपौल में अस्त व्यस्त हो गया। हालात वाकई में बहुत भयावह हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार सुपौल पहुंचे बाढ़ग्रस्त इलाके से। शशांक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब जब कोसी नदी उफान पर रहती है, राज्य में नई तबाही को जन्म देती है। इस बार फिर से कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस वक्त हम सुपौल के निचले इलाके में हैं। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बिहार के 13 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ स्थिति भयावह है। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ डूब गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर जो है वो पलायन कर गए हैं। बाढ़ से हाल बेहाल है। यहाँ पे सब कुछ जो है वो नदी में समा गया है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। कोसी बैराज से निरंतर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। उसके कारण कोसी नदी जो है वो तांडव मचा रही है। जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ की आपको हम तस्वीरें जो है वो ग्राउंड जीरो से कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ जो है दिखा रहे हैं। प्रशासन के तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वह लोग भूखे प्यासे हैं। कोई हेल्प उन लोगों को मिल नहीं रहा है। आपको बता दें, प्रशासन ने जो है हाई अलर्ट जारी किया है। जो तटबंध है उसकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। राहत की बात ये है कि कल तक कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। अब 2 लाख के आसपास जो है वो पानी डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन 3-4 दिनों से लगातार पानी जिस तरह से डिस्चार्ज होता जा रहा है, उस कारण जो है स्थिति जो है इन इलाकों में भयावह हो गई है। आपको बता दें कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और जो सीमांचल के इलाके हैं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सब बाढ़ से जो हैं वो इलाके जो हैं प्रभावित हैं। लाखों की आबादी जो है परेशानी में है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत पहुंचाए, उनको भोजन जो है वो मुहैया कराया जाए। जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी जो है लगातार छोड़ा जा रहा है, इसलिए इधर जो स्थिति है वो पूरी तरह से भयावह होती जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ सुपौल। तो जमीन पर जो हालात बने हुए हैं वही दिखा रहे थे, बता रहे थे शशांक। सुपौल में बाढ़ पीड़ित सरकार पर भड़के हुए, बिहार सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। नाराजगी है बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावितों में। बाढ़ प्रभावित कह रहे हैं यहां के हालात जानना चाहिए सीएम नीतीश कुमार को। जानमाल की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ती हुई नजर आ रही है। ये शिकायत बाढ़ पीड़ितों की। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार ने सुपौल के बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों में ना आकर दिल्ली चले गए, जबकि उन्हें तो यहां आना चाहिए था, अपने लोगों की सुध लेनी चाहिए थी इन मुश्किल हालात में। सुपौल के निचले इलाके में हम हैं। जो बाढ़ पीड़ित हैं वो यहाँ एक पुल पर शरण लिए हुए हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। प्रशासन की तरफ से तो कहा जा रहा है कि राहत शिविर जो है कई जगह पे खोले गए हैं, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं जा रही हैं? कुछ नहीं, हमारे का कुछ नहीं मिले छा, कुछ नहीं दलका। आप लोग को नहीं ले जाएगा? नहीं, नहीं दलका, नहीं। कोई हेल्प नहीं मिल रहा है? नहीं, कोनो हेल्प नहीं।
मुखिया चाहे विधायक चाहे कोई अधिकारी कोई नहीं आया है? कोई नहीं आई ले। हर बार नेता वोट मांगने चले आते हैं। हाँ, वोट मांगने चले आता है, लेकिन जीत जाते हैं, मदद नहीं करते हैं। कुछ नहीं मदद, कुछ नहीं। क्या समस्या हो रही है? बहुत समस्या हमको बीत रहे हैं, अथी सब मोर रहा है, माल जाल लोग। कब से आप लोग रह रही हैं? तीन रोज से। अच्छा, हर साल ऐसा बाढ़ आता है? हाँ, हर साल आता है। लेकिन ये अभी जो स्थिति है ये तो कई वर्षों के बाद हुई है। हाँ, कई वर्ष। यहाँ महा अति कोसी बेल्ट में जो है गाइडमान चाहिए, कोसी बेल्ट में अभी महा क्षति चाहिए, और जो गाइडमान चाहिए सबसे पहले, एक होकर के पानी निकलेगा। इन 10 किलोमीटर में 20 किलोमीटर में पानी चल रहा है। कितना लोग प्रभावित है? बहुत है, इसका गिनती है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक सुपौल से इस समय मौजूद हैं, और जरा जानते हैं शशांक से, अभी भी लोग परेशानी में घिरे हुए हैं। शशांक, किसी तरीके की कोई मदद लोगों के पास अभी पहुंची क्या? देखिए, जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए उस तरह की मदद मिल नहीं रही है। जो निचला इलाका है वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है, और पूरे बिहार के बारे में आपको बता दूं, 13 जिलों के कई गांव जो हैं बाढ़ की चपेट में हैं। पूरे बिहार में बाढ़ के कारण 7 तटबंध टूट गए हैं, 4 से 5 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। और आपको बता दूं कि आपदा प्रबंधन विभाग बिहार ने NDRF की 3 टीमों को वाराणसी और 3 टीमों को रांची से बुलाया है। वहीं पहले से ही बिहार में NDRF की 12 और SDRF की 22 टीम बाढ़ राहत और बचाव कार्य में जो है वो जुटी हुई है। देखिए, राहत की बात यह है कि अभी जो है कोसी बैराज से पानी कम डिस्चार्ज हो रहा है। कल 56 साल का रिकॉर्ड टूटा था, 6,61,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था। आज जो है 10 बजे 2,54,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन इसमें कमी आ रही है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से पानी डिस्चार्ज हुआ है उसके कारण जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है। हम आपको सुपौल के एक गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे जो झोपड़ियां हैं वो डूब गई हैं, और लोग क्या है कि पास में एक पुल पर शरण लिए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को रिलीफ कैंप्स में नहीं ले जाया जा रहा है, हम लोग भूखे प्यासे हैं। और आपको हम बता दें, बिहार सरकार प्रशासन जो है नेपाल पर ठीकड़ा फोड़ देता है कि नेपाल में बारिश होती है तो पानी आता है, तो बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता है। निदान तभी होगा, परमानेंट सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब नेपाल में हाई डैम बनेगा, लेकिन इसको लेके कोई पहल नहीं की जाती है। सिर्फ नेता जो है बयानबाजी करते हैं। जो नेता ये कहते हैं हर साल की बाढ़ की समस्या खत्म होगी, उनको थोड़ा इधर आना चाहिए, उन बयानवीर नेताओं को, और इधर का जायजा लेना चाहिए। स्थिति बदतर है, लोग भूखे प्यासे इधर से उधर जो है वो भटक रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब पानी जो है वो थोड़ा कम डिस्चार्ज हो रहा है पहले के मुकाबले। बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जमीन पर वहां पर मुश्किलें सुपौल और अन्य कई जिलों में बिहार के।